हमने दो बड़े सूक्ष्म मुद्दों पे प्रश्न उठाया था। पहला और अहम मुद्दा था कि हमारे को खबर आई, रिपोर्ट आई, कंप्लेंट आई हमारे सब प्रादेशिक यूनिट से, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कैंडिडेट द्वारा, के 2:30 बजे के बाद जो अपडेशन होता है राउंड बाय राउंड, यानी काउंटिंग जब गणना हो रही होती है तो हर राउंड पे एक आंकड़ा प्रकाशित होता है, उसमें बहुत ढील आ गई है या बहुत धीरे धीरे हो रहा है, यानी हर आधे घंटे में वो आंकड़ा अपडेट नहीं हो रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। ये हमारी कंप्लेंट थी। दो कंप्लेंट्स थी, एक तो कि संसदीय क्षेत्र के अनुसार ऐसा कोई अपडेशन नहीं है, ही नहीं, और दूसरा जो असेंबली सेगमेंट्स के अनुसार राउंड बाय राउंड आता है आंकड़ा, वो भी बड़े विलंब के साथ अपडेट हो रहा है। ये दो मुद्दे थे। तो हमने कहा इससे एक प्रश्न चिन्ह उठता है, चुनाव के जो पूरी एक स्पष्टता होती है और निष्पक्षता होती है उस पर अननेसेसरीली बिना कारण के एक प्रश्न चिन्ह उठता है, तो इसको जल्दी होना चाहिए। हमने कोई ऐसे आरोप नहीं लगाया, हमने कहा कि हमको चाहिए एक सीधा आदेश चुनाव आयोग के केंद्रीय स्थल से ये जल्द से जल्द अपडेट हो। चुनाव आयोग ने हमको बड़े आदर के साथ सुना और कहा कि जहाँ तक संसदीय क्षेत्र का मामला है तो ये अपडेशन पहले भी नहीं होता था, अब भी संभव नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े आते हैं असेंबली सेगमेंट वाइज। तो असेंबली सेगमेंट वाइज जो आंकड़े आते हैं उनको अपडेट वो तब करते हैं जब एक असेंबली सेगमेंट अगर साथ हैं एक संसदीय क्षेत्र में, वहाँ पहले आता है तो वो पहले हो जाता है, जहाँ बाद में आता है वहाँ बाद में होता है, इसलिए दोनों में समय का थोड़ा अंतर रहता है। इस बात को उन्होंने बड़े विस्तार से समझाया कि किसी रूप से वो विलंब नहीं होने देंगे, वो आदेश भी देंगे कि जो असेंबली सेगमेंट के अनुसार उसके आधार पर जो अपडेशन होना चाहिए वो जल्द से जल्द हो, और मैं समझता हूँ कि अगर ये आदेश तुरंत चला जाए, क्योंकि कुछ घंटे बचे हैं गणना में, तो ये एक प्रकार से हल होगा। बड़े एक सौहार्द के साथ ये बातचीत हुई और हमने उनको धन्यवाद किया हमको जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट देने के लिए भी। एक और मुद्दा है जिसके बारे में मेरे दोस्त बोलेंगे, मैं अंग्रेज़ी में संक्षेप में बोल दूं। वी वेंट टू द इलेक्शन कमीशन एट शॉर्ट नोटिस टू कन्वे अ कंसर्न ऑफ आवर्स, इट वाज मोर अ कंसर्न लेस अ कंप्लेंट। वी आर वेरी हैप्पी दैट दे गेव अस टाइम एट वेरी शॉर्ट नोटिस, दे हर्ड अस पेशेंटली। द मेन इशू वॉज अबाउट नॉट अपडेटिंग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी डेटा राउंड बाय राउंड इन टर्म्स ऑफ वोट्स काउंटेड एंड द रिजल्ट्स ऑफ दैट राउंड। हाउएवर इट वॉज क्लैरिफाइड दैट इट इज़ डन असेंबली सेगमेंट वाइज, एज यू नो दीज आर नॉट असेंबली इलेक्शंस, बट दी स्टैटिस्टिक्स आर काउंटेड एंड अपडेटेड असेंबली सेगमेंट वाइज। सो इफ अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज एवरेज 7 असेंबलीज, दैन इट इज़ डन ईच राउंड इन ईच असेंबली सेगमेंट वाइज। नाउ द प्रॉब्लम वॉज एक्सप्लेन टू अस इज दैट डिफरेंट असेंबली सेगमेंट्स फॉलो डिफरेंट स्पीड्स ऑफ काउंटिंग एंड ऑल्सो ऑफ अपडेशन, विच इज़ वाई देर इज अ लैक ऑफ synchronism for the parliamentary constituency as a whole. In any case, the election commission has assured us that without all this technicality, they are again going to give very strict instructions that counting and updation round-wise at the assembly segment level shall be the fastest and the most prompt as possible. We are happy if that happens, and I think the matter would be resolved. Only a few hours are left for the elections, and we don't want to create unnecessary question marks so long as this direction to immediately A to count fast and B to promptly disclose the counting round for each segment. There is a second issue, my friend will address you on that, about Sonipat. Ji, aap sabka swagat hai. Dhanyawad Singhvi ji. Ek chhota lekin mahatvapurn ek vishay tha. Ek chhota chhota parantu mahatvapurn ek vishay tha aur वो सोनीपत पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के संबंध में था। वहाँ दो असेंबली सेगमेंट्स हैं, एक सफ़ेदो है और दूसरा है बरोडा। वहाँ पर दो बूथ्स ऐसे थे जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि वो ईवीएम्स बिगड़ गए हैं और इसलिए वो काउंटिंग नहीं हो पा रही है। तो हमको ये बताया गया, उन्होंने कहा कि नहीं, जहाँ भी ऐसा होता है तो वो स्लिप्स की काउंटिंग कर दी जाती है, और अगर नहीं भी हुआ हो तो जब अंतर आता है, अंत में जो अंतर आता है अगर वो कम हो तो उन स्लिप्स की काउंटिंग जो है वो
पक्की कर दी जाती है ताकि कहीं पर ये संदेह ना रहे कि पूरे वोट काउंट नहीं हो पाए। हमने उनसे आग्रह किया कि इसको चेक कर लें, रिपोर्ट मंगा लें ताकि कोई संदेह ना बचे और वहाँ के लोग जिन्होंने हमको ये बात पहुँचाई थी वो संतुष्ट हो जाएं। इट्स अ स्मॉल थिंग बट अ इम्पोर्टेंट थिंग बिकॉज ऑल्दो ओनली टू बूथ्स आर इन्वॉल्व, टू बूथ्स ऑफ टू कंस्टिट्यूएंसीज इन सोनीपत पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, वन इज़ बरोडा एंड द अदर वन इज़ सफीदो, एंड देर वॉज सम इशू देयर दैट बिकॉज द ईवीएम्स had developed the fault, the counting could not be done, and for that the election commission was kind enough to explain that where this happens we already have instructions, we will check once again that the VVPAT slips are counted so that the number is updated and you would know that the entire vote has been counted. So we've come back fairly satisfied and we are happy that the election commission has cooperated with us in these matters. Thank you. Thank you. Thank you. Largely, अधिकतर और बाकी वो एक्शन अभी देंगे, आदेश देंगे, बट हाँ आंसर है यस। सर अभी और भी शिकायतें चुनाव आयोग से की गई हैं, कुछ देर पहले सुप्रिया सेन जी ने ट्वीट कर गया कि उत्तर प्रदेश में कुछ जिलाधिकारियों को जो आरोप हैं उन पर दबाव बनाने की कोशिश लगातार चल रही है, अभी भी इस तरह की कोशिशें हो रही हैं, चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले। देखिए इस पर हम लोग ये तो हम इस संदर्भ में इस बात को पहले उठा चुके हैं क्योंकि एक ये पूरी समस्या बहुत गंभीर लगती है और इस पर सिंघवी साहब ने पहले जब हम यहाँ आए थे तो पूरी बात को रखा था, उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण हमसे मांगा था जो हम समझते हैं कि अब परिस्थितियों में उसको कुछ देना या उस बात को आगे बढ़ाना कोई उचित बात नहीं होगी। तो जहाँ जहाँ हमारे कोई भी साथी इस संदर्भ में गंभीरता पूर्वक इस काम को लेकर आए थे, हम उम्मीद करते हैं कि उनको सबको संतुष्ट कर दिया गया है। धन्यवाद। थैंक यू।